अज्ञात वाहन होमगार्ड के शव को 4 किलोमीटर तक घसीटता ले गया। बरेली पुलिस लाइन में तैनात होमगार्ड को ड्यूटी से लौटते वक्त पीलीभीत हाईवे पर शुक्रवार देर शाम गौठिया पुलिस के पास अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। हादसे के बाद अज्ञात वाहन शव को 4 किलोमीटर तक घसीटता ले गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो वर्दी पर लगी नेम प्लेट में मृतक की पहचान की गई। नवाबगंज के मोहल्ला बिजौरिया निवासी रामपाल सक्सेना नवाबगंज कंपनी में होमगार्ड थे। इन दिनों उनकी तैनाती बरेली पुलिस लाइन में थी। शुक्रवार शाम वह पुलिस लाइन में ड्यूटी कर रही सवारी वाहन से वापस घर लौट रहे थे। सवारी वाहन से उतरने के बाद वह पैदल ही जा रहे थे कि पीलीभीत हाईवे पर गौठिया पुलिया के पास किसी वाहन ने उन्हें कुचल दिया। सूचना पर सीओ जय मोहन सिंह बटोला ने एससीओ हाफिजगंज सौरभ सिंह के साथ मौके पर पहुंचकर पुलिस कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। लाला कौन सी जगह थी ड्यूटी? लाला राम। पुलिस लाइन में बड़े भाई हमारे ड्यूटी करते थे, ये शाम को वापसी जा रहे थे हाफिजगंज के पास में, जो बरेली से जब वो पीलीभीत से आएंगे तो सुड़ियावा गांव के लिए खरंजा जो जा रहा है वहां पे इनका एक्सीडेंट हुआ है, और वहां से खिचड़ते खिचड़ते ये सित्रा के यहां पर लगभग 5 किलोमीटर दूर तक गाड़ी के नीचे फंस के मतलब जो है खिचड़ते हुए आए हुए हैं, और साइड से इनकी डेड बॉडी मिली है। तो हाफिजगंज थाने से हमको फ़ोन किया गया तो हम मतलब हाफिजगंज थाने आए हैं। जब तक ये लोग पोस्टमार्टम के लिए लाश ले आए थे, ये नहीं मालूम किस चीज़ से हुआ है, कैसे हुआ है। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।